अयोध्या में इस साल 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के अपने मंदिर में विराजमान होने के बाद पहली बार रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर फिर एक बार अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। भगवान श्री राम और त्रेता युग से जुड़े दृश्यों को अयोध्या के कोने कोने में उतारा जा रहा है। चाहे प्रभु श्री राम के स्वयंवर का हो या पुष्पक विमान का, राम रावण युद्ध का हो या लंका दहन का, सारे दृश्यों को चित्रात्मक रूप से अयोध्या एयरपोर्ट से लेकर लता मंगेशकर चौक और राम मंदिर तक की दीवारों और फ्लाई ओवरों के नीचे बनाया जा रहा है, जिससे एक बार फिर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या राममय नजर आ रही है। इस बार रामनवमी के त्योहार की भव्यता बिल्कुल उस प्रकार होगी जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम के जन्म होने पर हुआ था। जो उत्साह उस समय त्रेता युग में था, वही उत्साह इस बार भी अयोध्या में देखने को मिलेगा। भगवान श्री राम के दर्शन के लिए भारत के कोने कोने से श्रद्धालुओं का जनसैलाब अभी से आने लगा है। रामनवमी की तैयारी पे चल रहा है, मतलब सब कुछ। ये जितने ब्रिज है, ओवर ब्रिज है अपने, उन पे राम का दृश्य, मतलब रामायण की पूरी थीम दिखाई जा रही है। जैसे आपने देखा होगा गेट नंबर, ये एयरपोर्ट गेट नंबर 3 पे, तो उसमें पुष्पक विमान वगैरह। कौन सा दृश्य भगवान राम से संबंधित सजा रहे? इसमें क्या है, एक्चुअली पूरी थीम बना रहे हैं हम। पूरी थीम मतलब रामायण कहाँ से स्टार्ट हुई, उसका एंडिंग तक, रावण का अंत तक का। कितने लोगों के को लेकर करके आप बना रहे हैं और कितने कारीगर लगे हुए हैं? अभी हमारे पास 50 बंदे के लगभग है, 50-55 बंदे अपने टीम में। क्या क्या बना रहे हैं भगवान राम से संबंधित, क्या क्या दृश्य थे? राम से संबंधित जैसे पुष्पक विमान हो गया, रावण का अंत हो गया, वनवास हो गया उनका, और जी जब वो जीत के आए, मतलब वध करके आए रावण का, उस टाइम का है, मतलब पूरा है उसमें, पूरी थीम है। अयोध्या में रामनवमी पूरे उत्सव के साथ मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में हम पूरे ब्रिज ओवर ब्रिज पूरा का सवार रहे हैं, सजा रहे हैं। सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भगवान प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पे काम कर रहा हूँ। देखो जब से गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था कि मंदिर बनेगा, तब से खुशी थी कि दिल में कि भाई काम करें यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक क्या कर रहे हो, क्या क्या बनाया भगवान राम से संबंधित? अभी तक तो देखो सर 1 महीना हो गया यहाँ पे काम करते करते। पूरे ब्रिज पे जितने भी, इस पूरे ब्रिज पे मोर बनाने की परमिशन मिली थी, तो पूरे ब्रिज पे चारों तरफ मोर बना रहे हैं जी। 3 साइड तो कंप्लीट हो गई, अभी ये 15 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा सर। रामनवमी आने वाला, बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जी सर। सर मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मान रहा हूँ कि धरती पे मैं शायद इसीलिए आया था कि अयोध्या को सजा सकूँ, यही अपने दिल में वो है जी, खुशी है। सर मैं जिला शामली से हूँ, यूपी में पढ़ते हैं। सर मुझे करीबन 1 महीना हो जाएगा अभी। सर गांव में मैं सीना टोक के कहता हूँ कि मैं हाँ अयोध्या में काम करूँ। गांव में भी बहुत रिस्पेक्ट होती है अभी के टाइम में कि भाई लड़का वहाँ पे गया है अयोध्या में काम कर रहा है पेंटिंग का, बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है जी। कितना भाग्यशाली मानते हो? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। मेरा ये, मैं शायद इसीलिए जन्म हुआ था धरती पे कि मैं राम अयोध्या को सजा सकूँ। इस बार रामनवमी का त्यौहार जो है इतना भव्य रहेगा जितना भव्य त्रेता में हुआ था। जब त्रेता में भगवान श्री राम का जन्म हुआ अयोध्या में, तो उस समय राजा दशरथ जो है इस पृथ्वी के इकलौते राजा थे, जो है चक्रवर्ती सम्राट थे, तो पूरी प्रजा, पूरा भारत प्रसन्न था, प्रसन्न चित्त था, पूरी प्रजा एकदम प्रसन्न थी, सब दौड़ लिए थे कि भगवान श्री राम का दर्शन करना है, दशरथ के लाला का दर्शन करना है। तो जो उत्साह उस समय त्रेता युग में रहा है, वही उत्साह इस बार जो है अयोध्या में मनाया जाएगा। भारत के कोने कोने से श्रद्धालु जनमानस आएंगे भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए। गुरु कितनी सजाई जा रही है रामनवमी को लेकर के, अयोध्या कैसे सजाई और संवारी जा रही है? अब दुल्हन के तरीके कहा जाए तो मुझे लगता है कि ये उपमा बहुत अच्छी नहीं होगी, दुल्हन से भी अधिक। हाँ मतलब विधाता सोच नहीं सकता है, विधाता मतलब ब्रह्मा, इस सृष्टि को रचने वाला ब्रह्मा होता है, तो ब्रह्मा भी ये कल्पना नहीं कर सकते कि कितना जो है भगवान श्री राम के जो है नगरी को सजाया जा रहा है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मंदिर को, अपने अपने धर्म जो है मठ को, अपने अपने जो है गलियारों को सजा रहा है, अपने अपने चौखट को सजा रहा है, और राम जन्मभूमि तो इतना दिव्य और भव्य सजेगी कि महाराज देखने लायक बनेगा। अवश्य देखिए, देखन जोगू, जो देखने लायक होता है उसे पूरा विश्व देखता है। तो ये देखने लायक ये जो क्षण आया है,
इसको पूरा जनमानस, पूरा हिंदू समाज, पूरा हिंदुत्व, पूरा सनातन धर्मावलंबी सभी लोग बड़े प्रेम से, भाव से, कुछ लोग अयोध्या आ करके देखेंगे, कुछ लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अपने घर बैठ करके ही वो आनंद लेंगे। राम नवमी के दौरान जो पूरी अयोध्या सज संवर रही है, जगह जगह पर तोरण द्वार बनाने का पूरा प्रयास चल रहा है, यानी तैयारी चल रही है, और साथ साथ जो है रामलला के मंदिर में जो है गर्भगृह से लेकर जो है सिंह द्वार तक पुष्पों से सजाने की पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसको सुसज्जित किया जाएगा, क्योंकि रामलला की का जन्मोत्सव है। स्वाभाविक है कि रामोत्सव मनाने के लिए जो है पुष्पों से, झालरों से, ध्वज से, और ये नवरात्र का सीजन जो है यह हिंदू प्रतिपदा का भी वर्ष है, ये हम हिंदू नववर्ष मनाते हैं इस दिन, तो स्वाभाविक है कि पूरी अयोध्या जो है सज संवर रही है, और जो साधु संत हैं वो अपने अपने स्थानों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हनुमानगढ़ी हो, कनक भवन हो, या जो अन्य मठ मंदिर हो, उन पर भी जो है व्यापक तैयारियाँ चल रही हैं, और तोरणद्वार के साथ साथ आप रेलवे स्टेशन देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, या मार्ग चाहे वो रामपथ हो, चाहे वो जन्मभूमि पथ हो, या फिर ये अपना हनुमानगढ़ी का पथ जो बना है, इन सारे जगह पर जो है व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, उसको उसकी धुलाई पुछाई, इसके साथ साथ जो है चित्रों का की स्थापना, ये राम की पैड़ी आप देख लीजिए, वहाँ पर भी तमाम तरह के चित्रमय झांकियाँ लगाई जा रही हैं, तो ये एक व्यापक संदेश देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये राम उत्सव है, और अयोध्या अगर जन्मोत्सव के दौरान उमंग से भरपूर ना हो तो अयोध्या कैसे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।